ओम शांति। आज 6 मार्च 2024 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज के बाबा की मुरली में बाबा पुनः हमें प्रेरणा दे रहे हैं कि बच्चे अब घर चल रहा है और इसीलिए तुम्हें पावन बनना है। सबसे मुख्य बात जिस पर अटेंशन देना है पावन बनने के लिए, वो है ये आंखें। बाबा कहे ये आंखें बहुत क्रिमिनल है, उसको सिविल बनाना है और उसके लिए ये अभ्यास करना बहुत जरूरी है कि मैं आत्मा हूं, जिसको भी देखो तो भाई भाई की दृष्टि से देखो। अभ्यास करते रहो, सवेरे उठ करके विचार सागर मंथन करो, बाबा से मधुर बातें करो, ये महसूस करो कि अब पवित्र बनना ही है और बाबा के पास घर जाना है। तो सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, तुम्हारी अब वानप्रस्थ अवस्था है क्योंकि तुम्हें वाणी से परे घर जाना है, इसीलिए याद में रहकर पावन बनो। आज की मुरली से प्रश्न है, ऊंची मंजिल पर पहुंचने के लिए किस बात की संभाल बहुत रखनी है? उत्तर है, आंखों की संभाल करो, यही बहुत धोखेबाज है। क्रिमिनल आंखें बहुत नुकसान करती है, इसलिए जितना हो सके अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। भाई भाई की दृष्टि का अभ्यास करो, सवेरे सवेरे उठ एकांत में बैठ अपने आप से बातें करो। भगवान का हुक्म है। क्या हुक्म है? मीठे बच्चे, काम महाशत्रु से खबरदार रहो। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे, यह तो समझ गए हैं क्योंकि यहां समझने वाले ही आ सकते हैं। बाबा कहे आत्माएं समझ रही है तभी यहाँ आते हैं। तो रूहानी बच्चे ये तो समझ गए हैं क्योंकि यहाँ समझने वाले ही आ सकते हैं। यहाँ कोई मनुष्य नहीं पढ़ाते हैं, ये तो भगवान पढ़ाते हैं। भगवान की भी पहचान चाहिए। नाम कितना बड़ा है भगवान, और फिर कहते हैं नाम रूप से न्यारा है। अब है भी जैसे प्रैक्टिकल में न्यारा। बाबा है न्यारा लेकिन नाम रूप से न्यारा नहीं है, इस संसार से न्यारा है। अब है भी जैसे प्रैक्टिकल में न्यारा, इतनी छोटी बिंदी, कहते भी है आत्मा स्टार है। जैसे वह सितारे छोटे तो नहीं है लेकिन बहुत दूर होने कारण छोटे दिखाई देते हैं। तो बाबा कहे जैसे वह सितारे छोटे तो नहीं है, यह आत्मा स्टार तो सच सच छोटी है, सचमुच बहुत छोटी है। बाप भी बिंदी है, बाप तो सदा पवित्र है, उनकी महिमा भी है ज्ञान का सागर, शांति का सागर, इसमें मूंझने की कोई बात नहीं। मुख्य बात है पावन बनने की। विकार पर ही झगड़ा होता है, पावन बनने लिए पतित पावन को बुलाते हैं, तो जरूर पावन बनना पड़े ना, इसमें मूंझना नहीं है। जो कुछ पास्ट हुआ, विघ्न आदि पड़े, नई बात नहीं है। अबलाओं पर अत्याचार होने हैं और सत्संगों में यह बातें नहीं होती। कहां भी हंगामा नहीं होता, यहां हंगामा खास इसी बात पर होता है। पवित्रता की बात पर ही हंगामा खास होता है। तो बाबा के और सत्संगों में तो कहां भी हंगामे की बात ही नहीं। बाप पावन बनाने आते हैं तो कितना हंगामा होता है। बाप बैठ पढ़ाते हैं, बाप कहते हैं मैं आता भी वानप्रस्थ अवस्था में हूं। वानप्रस्थ अवस्था का कायदा भी यहां से ही शुरू होता है।
तो वानप्रस्थ अवस्था वाले जरूर वानप्रस्थ में ही रहेंगे। वाणी से परे जाने के लिए बाप को पूरा याद कर पवित्र बनना है। पवित्र बनने का तरीका तो एक ही है, वापस जाना है तो पवित्र जरूर बनना है। जाना तो सबको है, दो चार को तो नहीं जाना है। बाबा कहे सारी दुनिया की आत्माओं को जाना है, सारी पतित दुनिया को बदली होना है। इस ड्रामा का किसको भी पता नहीं है। सतयुग से कलयुग तक ये ड्रामा का चक्र है। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करना है और पावन भी जरूर बनना है, तब ही तुम शांति धाम और सुख धाम में जा सकेंगे। गायन भी है, गति सदगति दाता एक ही है। सतयुग में बहुत थोड़े होते हैं और पवित्र होते हैं। सतयुग में आत्माएं भी बहुत थोड़ी और एकदम पवित्र आत्माएं। कलयुग में है अनेक धर्म और अपवित्र हो पड़ते हैं। यह तो सहज बात है और बाप पहले से ही बता देते हैं। बाप तो जानते हैं कि हंगामा होगा जरूर, न जाने तो युक्तियां क्यों रचे कि चिट्ठी ले आओ कि हमको ज्ञान अमृत पीने जाना है। इसीलिए बाबा ने शुरू से ये एक विधि अपनाई थी, क्योंकि जानते थे बाबा कि हंगामे तो बहुत होना है, इसीलिए वो जाने नहीं देते थे। तो युक्तियां रची कि भाई चिट्ठी लेकर के आओ कि हमको जाना है ज्ञान अमृत पीने। जानते हैं यह झगड़ा होने की भी ड्रामा में नूंद है। आश्चर्यवत अच्छी तरह पहचान कर ज्ञान लेते, औरों को भी ज्ञान देते, फिर भी अहो माया। बाबा कहे फिर भी अहो माया, उन्हों को तुम अपनी तरफ खींच लेती हो। जिसने अच्छी तरह से जाना पहचाना उसको भी खींच लेती हो। यह सब ड्रामा में नूंद है। इस भावी को कोई टाल नहीं सकता है। मनुष्य सिर्फ अक्षर कह देते हैं परंतु अर्थ नहीं समझते हैं। बच्चे ये बहुत ऊंची पढ़ाई है। आंखें ऐसी धोखेबाज है, बात मत पूछो। तमो प्रधान दुनिया है, कॉलेजों में भी बहुत खराब हो पड़ते हैं। विलायत की तो बात नहीं पूछो। सतयुग में ऐसी बातें नहीं होती, सतयुग में ऐसी बातें नहीं होती। क्रिमिनलाइज की बातें नहीं, वो लोग कह देते। सतयुग को लाखों वर्ष हो गए। बाप कहते हैं कल तुमको राज्य भाग्य देकर गए थे, सब कुछ गंवा दिया। बाबा ने राज्य भाग्य दिया था, सब कुछ गंवा दिया। लौकिक में भी बाप कहते हैं इतनी तुमको मिलकायत दी, सब गंवा दिया। ऐसे भी बच्चे निकल पड़ते हैं जो धक से मिलकायत को उड़ा देते हैं। बेहद का बाप भी कहते हैं मैं तुमको कितना धन देकर गया, कितना तुमको लायक विश्व का मालिक बनाया, अब ड्रामा अनुसार तुम्हारा क्या हाल हो गया है, अब ड्रामा अनुसार तुम्हारा क्या हाल हो गया है। कितने तुम धनवान थे यह है बेहद की बात जो तुम समझाते हो। एक कहानी है, रोज कहता था शेर आया परंतु शेर आता नहीं था। एक दिन सच सच शेर आ गया। तुम भी कहते हो मौत आया कि आया, विनाश हुआ कि हुआ, तो कहते हैं ये रोज कहते विनाश तो होता ही नहीं है। अब तुम जानते हो एक दिन विनाश होना जरूर है। उनकी फिर कहानी बना दी है। बेहद का बाप कहते हैं उन्हों का दोष नहीं है, कल्प पहले भी हुआ था, 5000 वर्ष की बात है। बाबा ने तो बहुत बार बोला है यह भी तुम लिखते रहो कि 5000 वर्ष पहले भी हूबहू ऐसा म्यूजियम खोला था।
भारत में देवी देवता धर्म की स्थापना करने, एकदम क्लियर लिखो तो आकर समझे बाबा आया हुआ है, बाप का वर्षा है ही स्वर्ग की बादशाही। भारत स्वर्ग था पहले, पहले नई दुनिया में नया भारत हेवन था। हेवन सो हेल, ये बहुत बड़ा बेहद का ड्रामा है। इसमें सब पाठधारी है, 84 जन्मों का पाठ बजाए अब फिर हम वापस जाते हैं। पहले हम मालिक थे, फिर कंगाल बने, अब फिर बाबा की मत पर चलकर मालिक बनते हैं। तुम जानते हो हम श्रीमत पर कल्प कल्प भारत को स्वर्ग बनाते हैं। पावन भी जरूर बनना है, पावन बनने कारण अत्याचार होते हैं। बाबा बच्चों को समझाते तो बहुत है, फिर बाहर जाने से बेसमझ बन पड़ते हैं। आश्चर्यवत सुनंती कथंती ज्ञान देवंती अहो मम माया, वैसे का वैसे बन जाते हैं और ही बदतर। हाँ, बाबा कहे पहले से कभी कभी बदतर भी बन जाते, काम विकार में फंसे और गिरे। शिव बाबा इस भारत को शिवालय बनाते हैं, तो बच्चों को भी पुरुषार्थ करना चाहिए। ये बेहद का बाबा बहुत मीठा बाबा है, अगर सबको पता पड़ जाए तो ढेर के ढेर आ जाए। पढ़ाई चल न सके, पढ़ाई में तो एकांत चाहिए। सुबह को कितनी शांति रहती है, हम अपने को आत्मा समझ बाप को याद करते हैं। याद के सिवाय विकर्म विनाश कैसे होंगे, यही फुरना लगा हुआ है। अब पतित कंगाल बन पड़े हैं, फिर पावन सिरताज कैसे बने। बाप तो बिल्कुल सहज बात समझाते हैं, हंगामा तो होगा, डरने की कोई बात नहीं। बाप तो बिल्कुल साधारण है, ड्रेस आदि सब वही है, बाबा का पहरवाइश सब साधारण, कुछ भी फर्क नहीं। सन्यासी तो फिर भी घर बार छोड़ गेरू कफनी पहन लेते हैं, इनकी तो वही पहरवाइश है पहले जैसी ही। सिर्फ बाप ने प्रवेश किया और कोई फर्क नहीं। जैसे बाप बच्चों को प्यार से संभालते पालन पोषण करते हैं, वैसे यह भी करते हैं। कोई अहंकार की बात नहीं, ब्रह्मा बाबा में कोई अहंकार की बात नहीं, बिल्कुल साधारण चलते हैं। बाकी रहने के लिए मकान तो बनाना पड़े, वह भी साधारण। तुम्हें तो बेहद का बाप पढ़ाते हैं, बाप तो चुंबक है, कम है क्या। बच्चियां पवित्र बनती है तो बहुत सुख मिलता है, वह तो कह देते कोई शक्ति है, परंतु शक्ति किसको कहा जाता है वह भी समझते नहीं। सर्वशक्तिमान बाप है, बस सबको ऐसा बनाते हैं, सबको मास्टर सर्वशक्तिमान बनाते हैं, परंतु सब एक जैसे तो बन ना सके। फिर तो फीचर्स भी एक जैसे हो जाए, अगर एक जैसे बन जाए तो फीचर्स भी एक जैसे हो जाए, पद भी एक हो जाए, यह तो ड्रामा बना हुआ है। 84 जन्म में तुमको वही 84 फीचर्स मिलते हैं जो कल्प पहले मिले थे, वही फीचर्स मिलते रहेंगे, इसमें फर्क नहीं हो सकता। कितनी समझने और धारण करने की बातें हैं। विनाश तो जरूर होना है, विश्व में शांति अभी तो हो नहीं सकती, इस समय तो बाबा कहे होनी भी नहीं है। आपस में लड़ते रहते हैं, मौत तो सिर पर खड़ा है। ड्रामा अनुसार एक आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना, बाकी धर्मों का विनाश होना है। एटॉमिक बॉम्ब्स भी बनाते रहते हैं, नेचुरल कैलेमिटीज भी होगी, बड़े बड़े पत्थर गिरेंगे जो सब मकान आदि टूट पड़ेंगे। कितना भी मजबूत मकान बनावे, फाउंडेशन पक्का बनावे, परंतु रहना तो कुछ भी नहीं है।
वह समझते हैं अर्थक्वेक में भी गिर ना सके। कई लोग ऐसे मकान खास करके जापान में अभी बनाने लगे हैं, ऐसा हार्ट अटैक वर्क करते हैं कि इतना भी बड़े से बड़ा भूकंप आए तो भी मकान गिरेंगे नहीं। तो वह समझते हैं अर्थक्वेक में भी गिर ना सके, ऐसा पक्का फाउंडेशन बनाए, ऐसा मजबूत मकान बनाए। परंतु कहते हैं कितना भी करो, 100 मंजिल बनाओ, परंतु विनाश होना है जरूर, ये कुछ भी रहेंगे नहीं। तुम बच्चे यहां आए हो स्वर्ग का वर्षा पाने, विलायत में देखो क्या लगा पड़ा है। इसको रावण का पंप कहा जाता है। माया कहती है हम भी कम नहीं है, माया कहती है हम भी कम नहीं है, वहां तो तुम्हारे हीरे जवाहरों के महल होते हैं, सोने की सब चीजें होंगी, वहां तो दूसरा तीसरा मंजिल बनाने की भी जरूरत नहीं, जमीन पर भी खर्चा नहीं लगता, सब कुछ मौजूद रहता है। तो बच्चों को बहुत पुरुषार्थ करना चाहिए, सबको पैगाम देना है। अच्छे अच्छे पंडे बन बच्चे आते हैं रिफ्रेश होने के लिए, यह भी ड्रामा में नोंद है, फिर भी आएंगे। इतने सब आए हैं, पता नहीं इन सबको फिर देखूंगा या नहीं। बाबा के बच्चों, इतने सब आए हैं तो बाबा क्या कहे, पता नहीं इन सबको फिर देखूंगा व नहीं, ये सब ठहर सकेंगे व नहीं। इतना बाबा प्यार करते, ये सब ठहर सकेंगे व नहीं। आए तो ढेर के ढेर, फिर आश्चर्यवत भागंती हो गए। लिखते हैं बाबा हम गिर गए, अरे की कमाई चट कर दी, फिर इतना ऊंच चढ़ नहीं सकते, यह है बड़े ते बड़ी अवज्ञा। काम विकार की बड़े ते बड़ी अवज्ञा। वो लोग ऑर्डिनेंस निकालते हैं, फलाने टाइम पर कोई भी बाहर ना निकले, नहीं तो शूट कर देंगे। बाप भी कहते हैं विकार में जाएंगे तो क्या होगा, माया शूट कर देंगे तो शूट हो जाएंगे। भगवान का हुक्म है ना, खबरदार रहना है। आजकल गैस आदि की ऐसी चीजें निकाली है जो मनुष्य बैठे बैठे फट से हलास हो जाए। उस समय में हिटलर ने ऐसे गैस के चैंबर्स बनाए थे जहां बैठे बैठे मनुष्य सब खत्म हो गए। तो बाबा कहे आजकल गैस आदि की ऐसी चीजें निकाली है जो मनुष्य बैठे बैठे फट से खलास हो जाए। ये सब ड्रामा में नोंद है, क्योंकि पिछाड़े में हॉस्पिटल आदि नहीं रहेंगे। झट आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, दुख कलेश आदि सब छूट जाता है, वहां कलेश आदि होता ही नहीं, आत्मा स्वतंत्र है। जिस समय पर आयु पूरी होती है तो शरीर छोड़ देती है, वहां काल होता नहीं। रावण ही नहीं तो काल फिर कहां से आएगा, ये रावण के दूत है। काल आदि अकाले मृत्यु ये रावण के दूत है, भगवान के नहीं। भगवान के बच्चे तो बहुत प्यारे हैं, बाप कभी बच्चों का दुख सहन कर ना सके। ड्रामा अनुसार कल्प का 3 हिस्सा तुम सुख पाते हो, सत्ययुग त्रेता और द्वापर में भी इतना दुख नहीं होता, तो 3 हिस्सा तो सुख पाते हो। बाप जो इतना सुख देते हैं तो उनकी श्रीमत पर चलना चाहिए, ये अंतिम जन्म है। बाप कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रह, अंतिम जन्म में पवित्र बनना है, बाप की याद से ही विकर्म विनाश होंगे। जन्म जन्मांतर के पाप सिर पर है, तमो प्रधान से सतो प्रधान जरूर बनना है। बाप है सर्वशक्तिमान अथॉरिटी, जो भी शास्त्र आदि पढ़ते हैं उनको अथॉरिटी कहते हैं। अब बाप कहते हैं सबकी अथॉरिटी मैं हूं,
हर चीज की अथॉरिटी बाबा है। मैं इन ब्रह्मा द्वारा सब शास्त्रों का सार आकर सुनाता हूं। अपने को आत्म समझ मुझे याद करो तो पाप विनाश होंगे। बाकी पानी में स्नान करने से पावन कैसे होंगे? कहां चुल्लू पानी, यानी थोड़ा सा पानी, चुल्लू पानी मन जैसे हाथ के उसमें जो मुट्ठी में पानी आता है, कहां चुल्लू पानी होगा तो उनको भी तीर्थ समझ झट स्नान करेंगे। इसको कहा जाता है तमो प्रधान निश्चय। यह तुम्हारा है सतो प्रधान निश्चय। बाप समझाते हैं इसमें डरने की बात ही नहीं। हर चीज एक्यूरेट ड्रामा प्लान अनुसार हो रही है। तो बाबा कहे तुम बच्चों को अब सतो प्रधान निश्चय होना चाहिए कि बाप ही पतित पावन है, बाप के सिवाय और कोई भी पतित पावन हो नहीं सकता। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की, रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, भगवान ने जो पवित्र बनने का हुक्म दिया है उसकी कभी भी अवज्ञा नहीं करनी है। बहुत बहुत खबरदार रहना है। बाप दादा दोनों की पालना का रिटर्न पवित्र बनकर दिखाना है। दूसरी पॉइंट, ड्रामा की भावी अटल बनी हुई है, उसे जानकर सदा निश्चिंत रहना है। विनाश के पहले सबको बाप का पैगाम पहुंचाना है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, ज्ञान अमृत से प्यासी आत्माओं की प्यास बुझाकर तृप्त करने वाली महान पुण्य आत्मा भव। ज्ञान अमृत से प्यासी आत्माओं की प्यास बुझाकर तृप्त करने वाली महान पुण्य आत्मा भव। किसी प्यासे की प्यास बुझाना ये महान पुण्य है। जैसे पानी न मिले तो प्यास से तड़पते हैं, ऐसे ज्ञान अमृत न मिलने से आत्माएं दुख अशांति में तड़प रही है। तो उनको ज्ञान अमृत देकर प्यास बुझाने वाले बनो। जैसे भोजन खाने के लिए फुर्सत निकालते हो क्योंकि आवश्यक है, ऐसे ये पुण्य का कार्य करना भी आवश्यक है। इसलिए ये चांस लेना है, समय निकालना है, तब कहेंगे महान पुण्य आत्मा, तब कहेंगे महान पुण्य आत्मा। आज का स्लोगन है, बीती को बिंदी लगाकर हिम्मत से आगे बढ़ो तो बाप की मदद मिलती रहेगी। बीती को बिंदी लगाकर हिम्मत से आगे बढ़ो तो बाप की मदद मिलती रहेगी। हिम्मत को खत्म करने वाली बातें हैं बीती हुई बातें। कहां न कहां कोई असफलता मिली होती है, कहां न कहां कोई ऐसी बातें हुई होती है। वो बातें जितना व्यक्ति याद करता जाता है तो नेचुरल है उसकी हिम्मत कम होती जाती। इसलिए बाबा कहे बीती को बिंदी लगा दो। चलो पास्ट में नहीं मिली सफलता तो क्या करेंगे, बिंदी लगा दो, हिम्मत से आगे बढ़ो तो बाप की मदद अवश्य मिलती रहेगी। अच्छा, ओम शांति।